हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, ये आपके एसएससी सीएचएसएल 2019 का प्रैक्टिस सेट 7 है और जो नए हमारे व्यूवर्स हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो अभी तक मेरी प्लेलिस्ट में नहीं गए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको आपके फ़ायदे का बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी मैंने स्टार्ट किए हैं। अभी मेंसुरेशन का मैंने वीडियो डाला था, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा और प्रिज्म पिरामिड, प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनरशिप में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके अलावा एसएससी सीजीएल 2019 प्री के मैंने पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। अगर आप सीएचएसएल का पेपर देने जा रहे हैं तो सीजीएल प्री के पेपर्स भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, डेली क्वेश्चन सीरीज़ के 24 वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें 24 क्वेश्चन मैंने अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा भी मैंने काफ़ी अच्छे स्ट्रैटेजी वीडियोज़ भी बना रखे हैं, तो वो सब भी आप लोग देख सकते हैं। आपके आपके काम का सब कुछ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो के मूल हैं। मूल बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो इस इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दी है, इसके रूट्स देखिए क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा है। ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले बात क्वाड्रेटिक का सवाल देखती है आपके माइंड में आती है, जैसे ही आपको दो घात का यहाँ पर दिख रहा है आपके माइंड में आता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। तो अगर आप इसमें करोगे तो माइनस का बी, इसका मतलब माइनस का वन, तो ये आ जाएगा प्लस का वन। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का वन। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करोगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू मिलेगी और वही बी और सी की और ए की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे। अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वन मिल गया और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कुछ लोग यहाँ पे परेशान होंगे कि यार ये इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आएगी, तो उसका देखिए तरीका है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे आपको मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा इज़क्वल टू वन। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, माइनस वन। जैसे ही आप यहाँ पर माइनस वन रखोगे तो माइनस का टू हो जाएगा, उधर जाएगा तो थ्री हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब फिर से स्क्वायर कर दो इसका, इसका फिर से स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर प्लस टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर नौ, तीन का स्क्वायर नौ। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस वन है, यहाँ पर रखोगे स्क्वायर हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, प्लस का वन बचेगा। ठीक है, अब प्लस का वन हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, दो उधर घट जाएगा नौ में से तो सात बचेगा। ठीक है, अब आपका फिर लास्ट बचा टर्म फिर से स्क्वायर कर दोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर एट प्लस बीटा की पावर एट टू अल्फ़ा की पावर फोर बीटा की पावर फोर इज़क्वल टू 49। ठीक है, यहाँ पे फिर आप रखोगे माइनस का वन की पावर चार तो वन आएगा, दो घटा दोगे तो आंसर इसका इतने पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 47। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 47। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बाकी देखिए क्वाड्रेटिक के सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाता हूँ। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती उनको मैं हिंदी में भी थोड़ा सा बताऊँगा। लिखा हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट परसेंटेज फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो देखिए, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ट्री मेथड देखिए समझाता हूँ कि ट्री मेथड जब आप लोग लगाते हो तीन साल के लिए आपके कितने एक तरीके से खाने बनते हैं, कितने ब्लॉक्स बनते हैं, एक ब्लॉक यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पे, फिर एक ब्लॉक यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पे प्लस एक ब्लॉक यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं जिनको नहीं पता ये चीज़ तो मैं समझाऊँगा कैसे। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या बोल रखा है कि सेकेंड ईयर का आपको क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें क्या होगा, ये जो पार्ट होता है ये केवल होता है सिंपल इंटरेस्ट, और जब पूरे को हम लोग ऐड कर देते हैं तो बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसका मतलब है यहाँ पे कि आपको जो ये जो आपका पॉइंट दे रखा है, ये जो आपका पॉइंट दे रखा है, ये 3000 प्लस 300 रहा होगा। ठीक है, प्लस 300, तभी तो 3300 हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए अभी अगले टर्म में आपको समझ में आएगा कि मैंने 3000 प्लस 300 ही क्यों लिया, क्योंकि क्या होता है कि जो ये 3000 यहाँ पे दिया होता है वही यहाँ पे भी आता है, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे भी आता है, और जो इन दोनों जगह पे होता है वो इस जगह पे आता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अगर 3000 है, 300 है, 300 है, तो अब क्या बचा, 30।
ठीक है, तभी तो 3630 होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम लोगों को पता चल जाएगा, रेट ऑफ परसेंट पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि 300 से कितना आ रहा है, 30। ठीक है, देखिए जिन्होंने मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे, मैंने ट्री मेथड ऑलरेडी अपने कई मेंस के वीडियो, जो मेरे मेंस की जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें समझा रखा है मैंने कि ट्री मेथड को कैसे लगाते हैं, वहाँ मैंने बेसिक समझा रखा है। तो आपको मेरे सारे वीडियोस देखने होंगे तभी मेरे ट्रिक समझ में आएंगी। ठीक है, जिनको आता है तो उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 300 से 30 इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा, 10%। 10% रहा होगा तभी तो 300 पे 30 रुपये मिल रहा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 3000 रुपये रहा होगा। आपको पता है कि यहाँ पे तीनों पे सेम रहता है, ऐसा ही तीनों में सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे 3000 रुपये, इसका मतलब है कि हमारा प्रिंसिपल क्या रहा होगा, हमारा प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमारा क्या रहा होगा, ये भी 10% होगा। इसका मतलब है कि मूलधन रहा होगा 30000 रुपये। ठीक है, तो इतना जो काम अभी तक हम लोगों ने किया ये मूलधन निकालने के लिए किया। बहुत फास्ट आप लोग कर सकते हो, अगर आपको मेरी तरीके पता है ये चीज़ तो आप विद इन 15 सेकंड के अंदर 30000 रुपये निकाल सकते थे। ठीक है, अब आपको मूलधन पता चल गया, कितना चल गया पता, 30000 रुपये। ठीक है, 30000 रुपये मूलधन मतलब प्रिंसिपल चल गया पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट चल गया पता। अब आपको केवल क्या करना है, 2.5 साल का निकालना है। ठीक है, तो कितना आसान, देखिए 2.5 साल का मतलब है कि 2 साल तो 10% पर निकलेगा, तो जो अपन कर रहे थे अभी तक वही कर देंगे, 3000 प्लस 3000 यहाँ पे 300। ठीक है, अब आपको पता है कि आधे वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5% होगा। इसका मतलब इस पे 5%, 5% इस पे कितना, मतलब 1500 रुपये। अब आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए 1500 रुपये तो आपको मूलधन पे मिल गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी मिलता है। ब्याज अभी पिछले साल तक कितना था, 6300 रुपये, इसका 5% निकालोगे। ठीक है, तो जिनको आता है वो डायरेक्टली निकाल लेंगे, जिनको नहीं आता वो इस तरीके से भी निकाल लेंगे। तो 5 × 15, 1 × 5 = 30, 31, 315। अब जो ये टोटल आया ना, ये आपका 2.5 साल का ब्याज है। ठीक है, ठीक है, 2.5 साल का ब्याज है, तो 3×3=6,750 तो यहाँ पे आ रहा है, और ये 615 जब आप इसको ऐड कर दोगे तो 8115 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रखा है कि अमाउंट ऑफ द सेम सम, मतलब आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल कितना था, 30000 प्लस 8115, तो आपका आ जाएगा 38115, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं, और मैं बिल्कुल मानता हूँ इसकी दूसरी ट्रिक्स भी है, लेकिन वही है कि एक वीडियो में एक ही ट्रिक्स मैं बता सकता हूँ, आगे चल के और भी कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो उसको दूसरी ट्रिक से भी करेंगे। ठीक है, और CI में क्वेश्चन है बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, जब मैं CI पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि 4 से 5 ट्रिक्स होती हैं। बस ये होता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगानी है, ये आपको क्वेश्चन को देखते ही समझना होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ही आपको ये देखे और ये देखे तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सबसे पहला काम आपका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तुरंत आपको मिल जाएगा x+1/x, और एक प्लस का 2 आएगा, जो कि इधर 3 का square 9 आएगा, जिसमें से 2 घट जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। अब आपको पता है इसको फिर से आप स्क्वायर करोगे तो आपको स्क्वायर करने पर x², इसमें देखिए +2 करके दिखा देता हूँ, +2 आएगा यहाँ पे बोथ साइड का स्क्वायर करने पर, तो यहाँ 49 आ जाएगा। अब आपको सिंपल चल रहा है पता कि x² + 1/x² 47 आ गया। अब देखिए कुछ कनेक्शन कर पा रहे हैं आप लोग कुछ माइंड में, कि x² 47 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो माइनस का 47, तो इधर ये पहुँच जाएगा तो हो जाएगा -1/x², मतलब इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है -1/x². ठीक है, यहाँ पर आप लोग पुट कर दोगे सिंपली सा, तो x² और इसकी जगह पे -1/x² कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, इतना हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत ही देखिए प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए प्री लेवल की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर मैं कैट लेवल क्वेश्चन तो नहीं करवाऊँगा, बट वही मैं कह रहा हूँ ना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे क्वेश्चन कहे जाते हैं। ठीक है, पेपर में जब आप 100 क्वेश्चन 60 मिनट में कर रहे हो तो आपकी थिंकिंग अलग होती है, जब आप घर में बिंदास बैठ के 10 सवाल करते हो तो आपकी थिंकिंग अलग होती है, वहाँ पे आपको ये सवाल भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ठीक है, मुझे अच्छे लगते हैं तो आपको लगते होंगे, मैं अपना लेवल जब मेरे 192 आ सकते हैं तो मैं आप समझ सकते हैं कि आप लोग मेरी कही हुई बातें काफ़ी ज़्यादा तक सही होती हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अ पर्सन सोल्ड अ शेयर ऑफ प्रॉफिट 13%, मतलब कोई शेयर आपकी 100 रुपये की थी, आपने 113 में बेच दी। ठीक है, उसके बाद हैड ही सोल्ड इट फॉर 607.5 मोर, मतलब अगर वो जितने में बेच रहा है उससे 607.5 ज़्यादा में बेचता तो उसको x% का फ़ायदा होता, तो बताइए x की वैल्यू, यदि आपका CP दे रखा है 3750। तो देखिए इसमें यहाँ पे कुछ मायने जरूरत नहीं है,
आपका सीपी दिया है 3750, ठीक है 3750 आपका सीपी दिया है। आपको पता है कि इसमें 13% को बढ़ा के ऐड करना है, वो आपका एसपी बन जाएगा। निकाल दो तेज़ी से इसका 13%, 13 × 5 = 65, 6 × 93 = 91, 97 × 9 = 39, 49 × 39, 487.5, ठीक है। तो इतना तो इसका एक तरीके से प्रॉफिट था, पर वो कितना और बोल रहा है 607.5, तो क्यों ना मैं उसको यहीं पर जोड़ दूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा में बेचना है। तो 5, 5, 10, 1, 7, 7, 14, 1, 15 × 5 = 1, 8, 1, 9, 6, 4, 10, मतलब 1095 ज़्यादा में बेच रहा है। तो आपसे प्रॉफिट पूछा है, ठीक है, तो 1095 × 3750 × 100, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए नॉर्मल से 0, 0 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या 25 से ऊपर वाली संख्या जा रही है, तो 25 × 100 जा रही है, ठीक है। तो 25 × 100 और 25 × 75, 25 × 8, ठीक है। देखिए जो मैं थोड़ा सा बोलता हूँ 25 × 100, 25 × 8, तो देखिए भैया ना यूपी बोर्ड का कहीं ना कहीं असर आता है, जब आप फास्ट कैलकुलेशन करते हो तो आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं रखी हुई रह जाती है, ठीक है। जैसे ही आप लोग देखते हो बाकी सर को भी, गगन सर, अभिनय सर, सभी जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो हिंदी उनकी वैसे निकलती है, क्योंकि हम लोग बचपन से वही सीखते हैं। तो जब अट्ठे सत्ते करोगे तभी जाके निकलेगा, ठीक है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन फंस जाएगी, और कैलकुलेशन फंस जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिए, मेरे अट्ठे और सत्ते मत देखिए। तो 25 × 100, 25 × 75, 25 × 8, ठीक है, और ये 25 × 1 = 25 और 12 × 25 = 125, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद आपको नॉर्मली इसमें डिवाइड करना है, आपका आंसर है 29.2। देखिए 15 × 30 = 13, 15 × 9 = 135, 15 × 9 = 30, तो 29.2% जो है राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, बट क्योंकि देखिए हर पेपर में क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आता है और अच्छा क्वेश्चन आने लगा है अब, ठीक है, वो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन नहीं आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी। क्योंकि मुझसे खुद एक क्वेश्चन एक बार नहीं बना था, ठीक है, पेपर में सिंप्लीफिकेशन का मैं बार बार लगाया लेकिन 2-3 बार में आया नहीं, तो वही है थोड़ा सा कभी कभी माइंड में ऑफ या डिवाइड का साइन, तो अच्छी प्रैक्टिस चाहिए आपको इसकी, ठीक है। करते हैं इसको, सबसे पहले ऊपर का टर्म सॉल्व करते हैं, तो 1/3 + उसके बाद क्या दिया है आपको, 4 × 16 = 19/4 माइनस का 6 × 3 = 18 19/6 माइनस का 3 × 2 = 6 7/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 और 3 है, तो क्यों ना मैं इसको भी 6 बना लूँ, 2-2 का मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, ठीक है, मन में करना होता है बट करके दिखा रहा हूँ आपको। अब जैसे देखिए यहाँ 6 बन गया, तो 19 में से 14 घटा दोगे, तो जैसे ही 19 में 14 घटाओगे तो आ जाएगा 5/6, ठीक है। अब आपको पता है कि 12 LCM, और देखिए ये सब वही है, बार बार नहीं लिखने टर्म्स को, पेपर में बार बार नहीं लिखना होता है चीज़ों, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कम लिखोगे और याद रखोगे कि मतलब मैंने ये चीज़ नहीं लिखी थी, नहीं तो क्या पता आप छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते चले और लास्ट में कैलकुलेशन गलत हो जाए, यही सब प्रैक्टिस होती है जैसे टाइम बचता है। 12 LCM हमारे चाटते हैं, 12 × 19 = 57, 6 × 2 = 12, 5 × 2 = 10 प्लस का 1/3, तो ये आपका देखिए इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 47/12, ठीक है। इसको भी मैं 12 बना लेता हूँ, तो 4-4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर 4 आ जाएगा नीचे 12, तो देखिए आपका यहाँ से निकल के आ रहा है 51/12, ठीक है। तो ऊपर वाले को जब आपने सॉल्व किया तो आपका आ रहा है 51/12, कितना आ रहा है 51/12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए नीचे वाले को, तो देखिए 1/5 ऑफ का मतलब, देखिए ऑफ का मतलब होता है पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीपल होता है, ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई मतलब 1/5, तो ये देखिए बन जाएगा, और फिर करेंगे भाग, 1/25 पहले बनेगा, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये ऑफ था, ऑफ का मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो आपका यहाँ से निकल के आएगा 1/5, ठीक है, फिर आप भाग लगा दोगे, उसके बाद इसको सॉल्व करो, इस पार्ट को सॉल्व करो, तो कितना देखिए आ जाएगा ये 5 ऊपर, क्योंकि देखिए 1/5 पहले लिखोगे फिर भाग वाले को मल्टीप्लाई में करोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, और ये 5 पहले से ही नीचे, कोई दिक्कत नहीं, 5 × 5 तो 1/5, यहाँ से भी 1/5 से भाग 1/5 करोगे तो 1 आएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, मतलब यही आपका जो है एक तरीके से आंसर है। तो उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि पॉइंट में पूछा गया, तो वही 12 × 48, 12 × 2 = 24, 4.2 से ज़्यादा आएगा, तो आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक तरीके से प्री के लेवल से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। एक सर्कुलर कोन है, ठीक है, शंकु है, लार्जेस्ट वॉल्यूम मतलब जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, किसमें, एक सॉलिड वुडन हेमिस्फीयर मतलब एक अर्धगोले में, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, एक अर्धगोले में, ठीक है, बड़ा से बड़ा शंकु, बड़ा से बड़ा शंकु क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है,
ये शंकु बड़ा से बड़ा, ठीक है, जिसका आधार एक तरीके से गोले के आधार, अर्धगोले के आधार के बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये ज़्यादा से बड़ा शंकु हो गया। अब देखिए नॉर्मल इसमें क्या पूछा गया है आपसे, इसमें पूछा गया है कि रिमेनिंग मटेरियल, तो अगर उसको निकाल लिया जाए तो रिमेनिंग मटेरियल क्या बचेगा, तो रिमेनिंग मटेरियल कब निकाल पाओगे, जब आप अर्ध गोले के आयतन में से, अगर मैं आर त्रिज्या का मान लूँ अर्धगोला, ठीक है, तो 2/3 πr³ ये अर्धगोले का आयतन होता है, इसमें से मैं शंकु का आयतन कटा दूँ तो 1/3 πr² और देख रहे हैं आप लोग कि शंकु की जो ऊंचाई है वो भी आर है, ठीक है, तो उसकी जगह भी आर आप रख दोगे। अपॉन में क्या कह रहा है कि रिमेनिंग मटेरियल व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल हेमिस्फीयर, तो ओरिजिनल हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 2/3 πr³, ठीक है। तो कई लोग यहीं से समझ गए होंगे कि आपको ऊपर क्या मिलता हुआ दिख रहा है, 1/3 πr³, ठीक है, क्योंकि πr³ तो कैंसिल आउट हो गया, 2/3 में से 1/3 घटाओगे तो 1/3 बचेगा, तो आपका क्या बचा, 1/3, और नीचे क्या है, 2/3, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, मतलब 1/2, और 1/2 50% होता है, 50% आपका राइट आंसर है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत आता है, इसीलिए मैंने इसको लिया भी है, क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आपको इसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि विद इन 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना दें। तो एक बार मैं बेसिक से भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को। तो बेसिक क्या होता है इस क्वेश्चन का, कि आपको 11 नंबर्स दिए गए जिसका एवरेज 68 है, तो आप तुरंत 11 लिख लो, यहाँ पे 68 लिख लो, क्योंकि एवरेज ऐसे क्वेश्चन एवरेज कैसे लगते हैं। फर्स्ट 4 नंबर का 78 है, ठीक है, उसके बाद आगे के नंबर का आपको नेक्स्ट 4 का आपको 63, उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है कि 9th नंबर, देखिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस क्वेश्चन में, कई लोग नहीं समझ पाते हैं इस लाइन को, क्या कह रहा है कि 9th नंबर जो है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे साइड में, 9th नंबर जो है वो 11th नंबर का 2 times है, तो एक तो 9th नंबर होगा, एक 10th नंबर होगा, एक 11th नंबर होगा, वो कह रहा है कि 9th नंबर 2 times है किसके, 11th नंबर के, तो 11th को अगर मैं x मान लूँ तो 9th नंबर 2x हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि 10th नंबर जो है वो 4 less है 11th नंबर से, मतलब 10th नंबर जो है वो x-4, भाई 11वां नंबर x है, 4 कम है तो x-4, ठीक है। अब आपको नॉर्मली इन तीनों का यहाँ पे सम करना है, क्योंकि आपको पता है कि सभी संख्याओं का योगफल अपॉन क्या होता है, नंबर कितने हैं वो, इक्वल टू एवरेज होता है, ठीक है। तो 2x, x और x मिलके 4x बना देंगे और माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो बेसिक हो गया, इस चीज़ को आपको डायरेक्टली करना होता है, ठीक है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप इसको कैसे करोगे, क्योंकि मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो देखते ही बस एक तरीके से उड़ जाता है, ठीक है। कैसे उड़ता है देखिए, आपको जैसे यहाँ पे 11 × 68 देखिए, आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो, अब इतना लिखोगे तो उस पर कम से कम 10 सेकंड जाएगा, ठीक है, तो वो आप लोग समझ लीजिएगा, दोनों तरीके से नहीं बता रहा हूँ। 4 × 8 = 32, 3, 4 × 7 = 28, 3, 1, ठीक है, 3 × 4 = 4 × 3 = 12, 1, 4 × 3 = 24, 1, 25, 252 यहाँ से आ रहा है, प्लस का 4x-4 यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, 11 × 8 = 88, 11 × 6 = 66, 8 × 74, इन दोनों को यहीं पर ऐड कर दो, 2 × 2 = 4, 5 × 1 = 6, 3 × 2 = 5, अब इस 564 को उठा के यहाँ पर रख दो, घटा दो, ठीक है। यही सब चीज़ें कि आप उनको बार बार इधर उधर ले जाके पूरा पूरा मत लिखो, आप उसको बस वहीं पर करते चले जाओ, ठीक है। 4x-4 इसको घटा दो, 8 × 4 = 4, 14 × 6 = 8, और 6 × 5 = 1, उसके बाद 4 इधर जाएगा तो 188 हो जाएगा, और जैसे ही 4 का डिवाइड मारोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, 4 × 4 = 16, 4 × 7 = 28, 47 आ गई, ठीक है। अब आपसे फिर क्या बोल रहा है, अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया उन्होंने, कि अब वो डायरेक्टली नहीं पूछते हैं कि x का मान क्या है, या वो 11वां नंबर क्या है, 10वां नंबर क्या, अब वो एवरेज पूछते हैं 2 नंबर का, तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 9th and 11th नंबर, तो 9th नंबर 2x है, 11th नंबर x है, और आपको पता है कि दो संख्याएं हैं उसका एवरेज क्या होगा, दो संख्याओं का योगफल, तो अगर दो संख्याओं का आप योगफल करते हो यहाँ पे, तो 2x + x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और अपॉन में क्या होता है, कितने नंबर्स हैं, मतलब 2, तो आपको एक्चुअली इसकी वैल्यू निकालनी है, 3x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 में गुणा कर दो 47 का, और अपॉन में 2 कर दो, 47 तय कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा आई थिंक ना, 3 × 7 = 21, 3 × 12 = 14, 141/2, तो 70.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होते हैं प्यारे प्यारे से क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन होता है, यही सब आता है पेपर में देखिए, तो इन पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वही मैं यहाँ पर करवाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मैंने ले लिया था, उसके बाद मुझे लगा कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया, ठीक है, क्वेश्चन ईजी है बट क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, देखेंगे अभी आप लोग कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है।
क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए ने स्टार्ट किया बिजनेस को, तो सबसे पहले देखिए अगर आपने मेरा पार्टनरशिप का वीडियो देखा है तो मैं उसमें बताया था कि जीरो से देखिए इसमें बहुत जीरो जितने ज़्यादा आप काट पाओ सबसे बेटर रहेगा। तो मुझे दिख रहा है कि तीन जीरो यहाँ, तो मैं तीन जीरो यहाँ से उड़ा दूँ, तीन जीरो यहाँ से उड़ा दूँ, ठीक है, तीन जीरो यहाँ से उड़ा दूँगा तीनों जीरो, ठीक है, और तीन जीरो यहाँ से उड़ा दूँगा, तीन जीरो यहाँ से उड़ा दूँगा, ठीक है, और वो लास्ट वाला जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है, उससे नहीं उड़ाना है। इतना हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट हो जाइए एकदम से। बोल रहा है कि ए ने स्टार्ट किया बिजनेस को 112 के साथ, ठीक है, अब 112 बचा है केवल, 112। देखिए आप जीरो भी ले सकते हैं, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा मेरा तरीका, तो आप लोग जीरो लेके करिएगा तब भी वही आएगा, ठीक है। अभी आप लोग समझ जाएंगे जीरो क्यों हटाए, क्योंकि रेशियो में होता है, रेशियो में जीरो वैसे भी कट जाएंगे, ठीक है, तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ठीक है, 112 आपने ले लिया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि आफ्टर टू मंथ्स, दो महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया बिजनेस को 80 रुपये के साथ, ठीक है, उसके फिर दो महीने बाद सी ने ज्वाइन किया 72 रुपये के साथ, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आफ्टर 10 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था उसके 10 महीने बाद बी ने 8 रुपये निकाल लिए और सी ने भी 8 रुपये निकाल लिए 10 महीने बाद, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वो एक्चुअली ए की कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो ए ने पूरा इन्वेस्ट किया, देखिए साल के लास्ट में बोल रहा है एंड ऑफ द ईयर, तो पूरे साल के लिए 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो 112 रुपए ए ने तो पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो उससे कोई छेड़खानी मत करो। अब आ जाओ बी के साथ, बी ने 80 रुपए किए, ठीक है। अब देखिए बी ने 80 रुपए दो महीने के बाद किए, इसका मतलब बी ने कितने टाइम के लिए किया, केवल 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है लास्ट में कि बी ने 10 महीने के बाद इतना विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब है कि उसने केवल 8 महीने 80 रुपये रखे, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 महीने के बाद किया था और स्टार्टिंग से 10 महीना बोल रहा है, इसका मतलब है केवल 8 महीने के लिए 80 रुपये, उसके बाद उसने क्या किया, इसमें से 8 रुपये निकाल लिए, तो 72 रुपये लगाए होंगे कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अब आप देख रहे हो कि 8 और 2 10, 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से 2 महीने के बाद इन्वेस्ट किया था, इसलिए वो केवल 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। थोड़ा और अच्छे से आप लोग इसे समझ मतलब अपने आप में समझिएगा, ठीक है, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि सी ने क्या किया, 72 रुपये के साथ लगा, 2 महीने बाद और लगा था, इसका मतलब है वो केवल 12 में से 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि 2 महीने के बाद तो बी आया और फिर उसके 2 महीने के बाद सी आया, इसका मतलब है कि केवल उसने 8 महीने के लिए लगाया। तो आपको एक तरीके जैसे यहाँ ये और ये मिला के 10 आ रहा है, वैसे इसका ये वाला टर्म प्लस जब आप यहाँ पे नंबर रखोगे इनटू यहाँ पे महीना, तो ये दोनों मिला के भी केवल 8 आना चाहिए, क्योंकि उसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है, जिसमें बाद में उसने 2 महीने के लिए किया, तो यहाँ पे 6 महीने होगा। समझ में आ रहा है आपको, 72 में से 8 देखिए उसने फिर यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 64, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। यहाँ पे 6 क्यों लिखा गया एक बार और समझा देता हूँ, यहाँ पे 6 क्यों लिखा गया, क्योंकि उसने 10 महीने के बाद स्टार्टिंग से 10 महीने के बाद 8 रुपये निकाले सी ने, लेकिन उसने स्टार्टिंग से 4 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट किया था सी ने, ठीक है, तो 4 और 10 तो केवल 6 ही तो बचेगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा और ध्यान समझिएगा तभी, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा लेवल इसका अच्छा चला गया, ठीक है, कई लोगों को समझ में आ गया होगा तो उनका अच्छा लेवल है, बट कई बेसिक्स लोगों को समझ में नहीं आएगा, बेसिक स्टूडेंट्स को, उनको थोड़ा कई बार चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा कि आपको ये 6 और ये 2 देख के बस ये देखना है कि इसने 8 महीने के लिए किया, ठीक है, क्योंकि 4 महीने बाद आया था ये, बी 2 महीने के बाद आया था इसलिए उसने 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, ए के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है इसलिए उसने पूरे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया। अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट बहुत बड़ा जाएगा, आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, करो इसको सिंप्लीफाई, क्या कर सकते हो, 8 कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो 8 64 8 9 72, देखिए दोनों तरफ काटेंगे क्योंकि बीच में पॉजिटिव का साइन लगा है, ठीक है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, बीच में पॉजिटिव का लगा तो दोनों तरफ काटेंगे, जैसे यहाँ पे 8 9 72 लिखूंगा तो यहाँ पे 8 10 80 या वो वाला 8 भी काट सकते थे, यहाँ पे क्या देखिए 8 का 8 1 का 8 6 32, ठीक है, और कर सकता है अभी मुझे 2 और दिख रहा है, ठीक है, तो 2 7 14 यहाँ पे 2 5 10 ये 2 कट जाएगा और ये 2 3 6 और ये 2 कट जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे 9 3 27 और 8 27 8 35, ठीक है, देखो सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पे 5 8 40 और 9 49, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 7 × 12, तो देखिए 7 भी कॉमन आ रहा है, 7 काट दो, 7 7 49 7 5 35, रेशियो क्या निकल के आपका आ गया, 12
6:7:5, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन से बचा जाता है, अभी आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना इस तरीके से रायता फैल जाता, ठीक है। अब आपको b का देखिए वैल्यू क्या दिया है, 9800। तो b की साफ साफ ये देखिए, मुझे मैंने आपको बताया अभी अपने वीडियो में कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट रेशियो होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो कि अपन ऊपर कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो। 7 की वैल्यू आपको दी गई है 9800, ठीक है। 1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1400, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 1400 है, आपसे पूछिए टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12, 7, 19, 5, 24। तो 24 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 1400 है, मल्टीप्लाई कर दोगे 0, 0, 14, 4, 56, 28, 5, 33। तो 33600 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ाता हूँ, मुझे लगता है पर्सनली खुद, लेकिन यही स्पीड आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको मुझे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यही स्पीड लाओगे बच्चा तब भी कुछ हो पाएगा, ठीक है। धीमे धीमे चलोगे तो कछुआ बने रहोगे, और कछुआ देखिए कहानी में जीता था, यहाँ नहीं जीतता, ठीक है, यहाँ खरगोशी जीतेगा। थोड़ा मजाक हो गया बिना हंसी के, चलिए कोई नहीं। इसमें 9th नंबर क्वेश्चन आप लोग करिए, देखिए 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए वर्क ट्वाइस, तो ए बी और सी, ठीक है। अभी एफिशिएंसी का रेशियो लेंगे अपन। ए वर्क ट्वाइस मतलब ए वर्क ट्वाइस कर रहा है बी से, और बी वर्क ट्वाइस कर रहा है सी से, ठीक है। तो ये जो रेशियो है, ये एफिशिएंसी रेशियो आया, तो इसको बराबर कर लेंगे तो 4:2:1 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो अगर आपने थोड़ा ही पढ़ रखा तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, मैंने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4:2:1 का रेशियो आ गया, ठीक है। यही बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 4 डेज विद द हेल्प ऑफ डी। इसका मतलब है कि तीनों ने मिलकर, तो 4, 2, 6, 1, 7, 7 एफिशिएंसी इनकी हो गई, प्लस मैं मान लेता हूँ कि डी की एफिशिएंसी एक्स है, तो 7+x एफिशिएंसी से जब काम हो रहा है तो 4 दिन में पूरा काम हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, टोटल काम इक्वल टू टोटल काम कर रहा हूँ। 7 आपको एफिशिएंसी पता है, डी की एफिशिएंसी आपको नहीं पता है, तो मैंने एक्स मान ली। तो 7+x क्या हो गया, एफिशिएंसी इनटू डेज, तो क्या निकल आता है, टोटल वर्क डन। एफिशिएंसी इनटू टाइम मतलब डेज, तो आपको क्या निकल आता है, टोटल वर्क निकल आता है, वही मैंने किया। अब आपसे क्या कह रहा है कि डी अगर अकेले काम करता है 16 दिन में कर लेता है, तो डी की एफिशिएंसी अभी मैंने एक्स मानी, तो वो 16 दिन में कर लेता है, इतना समझ में आया। अब टोटल काम बराबर टोटल काम, इसको सॉल्व कर सकते हो, 4 × 16, 4x में से x जाएगा तो 3x, मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 7/3, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपका, जैसे ही आपका 7/3 आया, आपको काम पता, आपको काम नहीं पता चल गया, क्योंकि काम तो ये था ना, सो x इंटू 16, तो 7/3 × 16 ये क्या आ गया, आपका टोटल काम आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि ये टोटल काम है, अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर 75% काम किया जाए, इसका 75 कितना हो जाएगा, 3/4, और किससे कह रहा है, ए से कह रहा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये 4 होता है तो ये 4 यहाँ अपॉन में 1 मान लेते हैं, फिर ये ऊपर ऊपर का होता है, ये नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि 4 और 4 का मल्टीप्लाई होगा 16 होगा, और ये 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ चुका है, x7, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये होता है एक तरीके से अच्छा क्वेश्चन, एक होते हैं बगुआ वाले क्वेश्चन और एक होते हैं अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको आपको होमवर्क के रूप में दूँ, ठीक है। थोड़ा मुझे भी मज़ा आएगा जब आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताओगे, तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस ले रहे हो मेरे सेट्स को, ठीक है। अगर आप आंसर्स नहीं बताएंगे तो मैं, जितने लोग भी आंसर बताएंगे तो मैं समझ लूँगा कि इतने लोग मेरे सेशन को सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है। बाकी जो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो वो अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा सेशन को, लेकिन अगर वो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, बेसिक स्टूडेंट्स हैं, तो वो काफ़ी खतरे में है, ठीक है। तो आपको मेरे वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भी आपको आप मान सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, ए सी, तो अगर आप सी डी करके बताने का मन हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पूरा भी बता सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ऐड हो सकते हैं मेरे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हो। बाकी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।